हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर गुरु चैनल और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आईबीपीएस एसओ के एग्ज़ाम में या फिर अदर एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरआई इज लोकेटेड एट, ये है करनाल हरियाणा में। वो इज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री, यह है डॉक्टर वर्गेसी कुरियन। पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, सियोक्स, मार्गलोब एंड रोमा आर द वैरायटी ऑफ, ये किन की वैरायटी है? टोमेटो की। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट, यह वाराणसी में। येलो कलर इन ऑनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट, यह क्वर्सिटिन। ब्राउन हार्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन टर्निप, ये किसके द्वारा होता है? तो यह है डिफिशेंसी ऑफ बोरोन। वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ, वेजिटेबल में ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं। शुगर एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव इन, शुगर एक्ट जैम में। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, ब्रिटिश। द टर्म क्रॉप रोटेशन, इसका मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सुसेशन ऑन द सेम लैंड। वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज डेरिवेड फ्रॉम, यह लेटिन। सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह ऑयल सीड क्रॉप का। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड बाय, कैस्कोग्राफ। नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज इस्टाब्लिश्ड इन 1963। फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डे क्रेसेंजी। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज इस्टैब्लिश्ड इन 1960। स्टेपल फूड ऑफ इंडिया इज, इंडिया का स्टेपल फूड कौन सा है? राइस। आईसीएआर वाज इस्टैब्लिश्ड इन 1929। साल्ट टॉलरेंट क्रॉप इज, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? शुगर बीट। Which grain is said to the poor man as food? यह रागी। Who introduced the tobacco cultivation in India? Portugese merchants. Which of the following state produce higher शुगर कैन पर हेक्टेयर? शुगर कैन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पर हेक्टेयर कौन से राज्य में होता है? कर्नाटका में। द सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, पोर्ट ब्लेयर में।
Which of the following is a C4 plant? यह मेज मेज Who was the first director general of ICR? ICR का पहला director कौन सा था? ये डॉक्टर बीपी पाल. National Research Institute of Forestry and Education is situated at Dehradun. Which of the following crop is grown in Kharif season? Yeah, pigeon pea. National Agriculture Insurance Scheme started in 1999. Father of Green Revolution is N.E. Borlaug. Indian Journal of Agriculture Science is published from ICAR. Peat soil are generally होती है black, heavy and acidic. A branch of science that deals with the study of organism of the soil, its classification and description is known as pedology. A soil having pH 6 is called as acidic soil. CaCO3 is added to reclaim of acidic soil. Blossom and rot disorder in tomato has been found to be caused by the deficiency of kiski kami se calcium. Khaira disease of rice is due to the deficiency of zinc ki kami se hota hai aur ye bataya kisne tha YL Nene ne. Which of the following is a biofertilizer? Biofertilizer कौन सा है? Green algae. Which of the following nutrient element is responsible for dieback of citrus? ये copper. Plant nutrient critical of for nitrogen fixation in leguminosae is a most important question hai. A most question hai. Isme leguminosae mein ek element nutrient bhi hai jo ki nitrogen fixation karta hai. Wo hai molybdenum. A water fern which is used as a green manure in rice field
तो ये बायो फर्टिलाइजर भी है एक तरह का, ये है एजोला। ग्रीन मैन्योर प्लांट यूज्ड बाय फार्मर मेनली बिलोंग टू द फैमिली लेग्यूमिनेसी। विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर क्यूजिंग डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। 2,4-D। वाटर लॉगिंग ऑफ सोइल मेक्स इट फिजियोलॉजिकल ड्राई बिकॉज दिस कंडीशन डज नॉट अलाउ द कैपिलरी फोर्स टू वर्क एंड दिस कंडीशन डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू इंटर द सोइल। तो इसमें क्या होता है कि सोइल के अंदर ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाती। इसका आंसर है बी। विच ऑन द फॉलोइंग इज नेचुरल इंसेक्टिसाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें पायरेथियम और निकोटीन ये दोनों ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वीड ऑफ रबी सीजन दैट इनफेस्ट वीट क्रॉप। ये चिनोपोडियम। फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कमर्शियल स्केल वाज स्पोरेनिन। नोरिन टेंजिन फ्रॉम जापान इज ए ड्वार्फ जीन ऑफ वीट। ए प्लांट ब्रीडर वेस्टस टू डेवलप ए डिजीज रेजिस्टेंट वराइटी। व्हाट शुड ही डू फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करेगा, सेलेक्शन ऑफ होमोजाइगस प्लांट इज। तो इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन। दोस्तों ये होमोजाइगस प्लांट ऐसे होते हैं जो कि समान होते हैं, जिनकी लंबाई समान होती है, देखने में भी वे समान दिखाई देते हैं, जैसे कि वीट हो गया। तो इनमें प्योर लाइन सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।